साधु तो सच्चा वही है जो आत्मा की चर्चा करे, जो सांसारिक कोई चर्चा ही नहीं करे, और जो तंत्र मंत्र बताता फिरे तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी कैसे आएगी, तुम्हारे घर में पुत्र कैसे होगा, गंडा ताबीज बटवाता फिरे और मंत्र तंत्र मणि विद्या समझाता फिरे, वो साधु जैन धर्म के हिसाब से हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैन धर्म का साधु तो आत्मज्ञानी नहीं समझे, और आत्मा की चर्चा करने वाला, शुद्ध चर्या करने वाला, और बिल्कुल जगत से जिसका मोह भंग हो गया है, जिसे जगत से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी के सुधारने के पीछे पड़ता है, ना किसी की निंदा के पीछे पड़ता है, ना किसी की प्रशंसा के पीछे पड़ता है, ना धर्मशाला बनवाता है, ना मंदिर बनवाता है, इन सब चीज़ों से मोह तोड़ दिया तभी तो साधु है, और इन सब में मोह रखे तो काय का साधु है। समाज की चिंता करता फिर काय का साधु है? यानी साहब समाज तो अपना है, काय का अपना? जहाँ दे अपनी नहीं, तभी तो साधु बने थे, बात समझ गए? तो अगर समाज की चिंता कर रहे हो तो कैसे साधु हो तुम? लेकिन आम पब्लिक इतनी बात नहीं समझती, वो तो क्या करती है कि बस हमारे साधु हैं, और ये अपने साथ नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गुरु हो, चाहे नानक, सब हो, समझ आए, सब अपने अपने साधुओं को पूजने लगते हैं। वो ये विचार करे बिना कि ये साधु सच्चे है कि नहीं, श्वेतांबर श्वेतांबर साधु को पूज रहा है, वो दिगंबर के पास नहीं जाता, दिगंबर दिगंबर साधु को पूज रहा है, वो श्वेतांबर के उनसे पूछो तुम क्यों पूज रहे, हमारे साधु हैं जी, नहीं समझे? दिगंबर से पूछो तुम्हारे साधु नग्न क्यों होते हैं, हमारे साधु नग्न होते हैं, हमारे ऐसे ही चलता है। ये नग्नता का क्या मतलब है कि साहब इनको कोई राग द्वेष नहीं है, ये पढ़ाते ना, उनसे पूछो कि तुम्हारे साधु नग्न क्यों हैं, तो कहते हमारे साधु ने संसार के सारे राग द्वेष छोड़ दिए, मुझे पैसा इकट्ठा कराते फिर रहे, धर्मशाला बनवाते फिर रहे, तुम तो कह रहे राग द्वेष छोड़ दिए, हैं दूसरे की निंदा करते फिर रहे, शास्त्रों को फिकवाते फिर रहे, हैं समाज को बरगलाते फिर रहे, एक दूसरे का शत्रु बनाने में लगे हैं, तुम तो कहते राग द्वेष छोड़ दिए, ये कैसे राग द्वेष छोड़ दिए? कपड़े छोड़ना आसान है क्या? कपड़े छोड़ना बहुत आसान है, राग द्वेष छोड़ना बहुत कठिन है। बिना आत्मा के आश्रय के राग द्वेष नहीं छोड़े जा सकते। और पंडितों की निंदा करते हो करो, पंडितों के आचरण की निंदा करते हो करो, लेकिन पंडितों के आचरण से और नई आचरण से कुछ ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि पंडित देव शास्त्र गुरु में नहीं आते। क्या कहा मैंने? कोई भी पंडित देवशास्त्र गुरु में नहीं आता, चाहे वो कितने ही बड़ा पंडित हो, कितने ही बड़ा विद्वान हो, उसको नमोस्तु नहीं करता समाज, समझ में आया? उसके साथ मुनिराज वाला व्यवहार नहीं करा जा सकता, चाहे कुछ भी हो, तो वो उसके आचरण की इतनी कीमत नहीं है। लेकिन तुम्हारे साथ नमोस्तु का व्यवहार है, तुम नग्न दिगंबर साधु हो, तुम्हारा एक एक कदम बहुत कीमती है, तुम्हारा जरा सा भी आचरण पूरे जैन धर्म को बदनाम करेगा, क्योंकि देव शास्त्र गुरु ना, और जब बात आती है पूजने की तो हम पंच परमेष्टि में शामिल हैं, जब पूजने की बात आती है तो काय में शामिल हो जाते हैं, पंच परमेष्टि, और जब आचरण की बात आती है तो पंचम काल है, है? नहीं देखा तुमने? पूजने की बात आएगी हम पंच परमेष्टि में आते हैं, हम साधु हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, बिल्कुल ठीक महाराज, बिल्कुल ठीक कह रहे, हम भी मान रहे हैं बात कि पंच परमेष्टि में आते हो, लेकिन ये आचरण ये बहुत शिथिलाचार चल रहा है, ये बहुत गड़बड़ चल रही है, पंचम काल है। अरे तो पंचम काल है तो फिर पंचम काल जैसा नमस्कार ले लो, फिर काय को परेशान होते हो? तो नमस्कार चाहिए चौथे काल का, और आचरण करेंगे पंचम काल का, ऐसे कैसे हो सकता है? थोड़ा नमस्कार में भी बदलाव कर लेते हैं ना, नमोस्तु की जगह अब जय जिनेंद में काम चला लो, वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा, फिर तो एकदम क्रोधित हो जाएंगे, फिर तो लड़ाई झगड़ा होगा,
मतलब सच्चा साधु कैसा होना चाहिए ये भी समाज नहीं समझ पाता, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा। ये भी लोगों को ज्ञान नहीं आता कि सच्चा गुरु कैसा होना चाहिए। अरे जो गुरु प्रत्यक्षी कसायवान हो, कसाय करता हुआ दिखाई दे, भले ही वो 15 दिन का उपवास कर रखा हो, उससे क्या होता है भाई साहब। कसायों का उपवास करना चाहिए भोजन के उपवास के पहले। क्या पहले काय का उपवास करना चाहिए? जिसके कसाय का उपवास होता है उसके ही भोजन का उपवास होता है। जिसके अंदर कसाय बहुत भरी पड़ी है वो बाहर में भोजन भले ही छोड़ दे, अंदर तो कसाय का भोजन प्रति समय कर रहा है। और सच्चे मुनिराज तो वो ही हैं जो ना कसायों का आहार करते हैं ना बाहर का आहार कर रहे हैं, जो केवल शुद्धात्मा का आहार कर रहे हैं, वो सच्चा उपवास है।